कोर्ट जावांगा। शीतल अंगुराल ने कहा कि पंजाब सरकार ते उन्हां दे वलों इल्जाम लगाए गए कि पंजाब सरकार जिमनी चोन नहीं होन देना चाहती, जिमनी चोन रोकने के लिए इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया। अंगुराल ने कहा कि भाजपा शामिल होने के बाद शीतल अंगुराल दे वलों इस्तीफा दिता गया सी, जद स्पीकर संधवा ने मंजूर नहीं किया विधायकी तो इस्तीफा ते आप छट के भाजपा हाल ही शामिल हुए थे। शीतल अंगुराल ने 28 मार्च को स्पीकर नु इस बाबत नोटिस भी भेज दिया था। जलंधर वेस्ट तो विधायक ने शीतल अंगुराल, हालांकि इस पूरे मामले ते स्पीकर दफ्तर का कहना है कि उन्हां कोल शीतल अंगुराल का इस्तीफा आया है जिसनु रिजेक्ट नहीं किया गया, बल्कि उसके निजम अनुसार फैसला लिया जाएगा। अपना इस्तीफा मंजूर करवाने लिए हाईकोर्ट जाएंगे हुण शीतल अंगुराल। मेरे नाल मेरे सहयोगी राघव जैन फोन लाइन ते मौजूद ने। राघव, अपना इस्तीफा हुण मंजूर करवाने लिए शीतल अंगुराल दे वलों हाईकोर्ट का रुख किया जाएगा, और की कुछ जानकारी? बिल्कुल, शीतल अंगुराल नाल गलबात हुई है तो उन्होंने कहना है कि मैं इस्तीफा दिता हुआ लेकिन हजे तक उन्होंने मंजूर नहीं किया गया। यह सिर्फ जिहड़ा कि समय में निकलवाया जा रहा है ताकि पार्टी चाहती है कि कुछ समय बाद इलेक्शन होवे ते इन्हां दे कंट्रोल च होवे ते इन्हां दा उम्मीदवार जिहड़ा कि चोणां जित जावे, इस करके इस चीज़ को डिले करती पई है। दूजे पास उन्होंने कहना है कि मैं सिर्फ एक या फिर दो दिन का वेट करूंगा, उस तो बाद जिहड़े साडे लीगल एडवाइजर है उन्हां नाल गलबात करके जिहड़ा कि चोण कमीशन नूं भी इस चीज़ की शिकायत करूंगा, उस तो इलावा जिहड़ा कि हाई कोर्ट का रुख भी करूंगा ताकि जी इस चीज है जिड़ी की जल्द से जल्द हो सके। तो मैं इस चीज से पूरी तरह डट के जोड़े की खड़ा मैं, तो मैं जल्द से जल्द जोड़े की इस्तीफा मंजूर करवा के जो जलंधर के लोगों की जोड़ी की सेवा है। जी राघव, ते मैं अपने सहयोगी का मुड़ तो रुक करांगी, संपर्क टुट गया है। दस के अपना इस्तीफा मंजूर करवाने लिए हुण शीतल अंगुराल ने ऐलान किया है कि वो हाई कोर्ट का रुख करांगे। हाल ही उन्होंने वालों बीजेपी का पल्ला फड़िया गया सीगा, उपले पासे तस्वीर तुहानू विखा रहे हैं। तो उन्होंने नाल शीतल अंगुराल के नाल नाल दस के सुशील रिंकू ने भी आम आदमी पार्टी छड के बीजेपी का पल्ला फड़िया है, तो हुण इस पूरे मामले से हाईकोर्ट जाने की गल आखी गई है शीतल अंगुराल। अगे वधांगे ते गल करांगे डॉक्टर धर्मवीर गांधी दी। राहुल गांधी नूं मिले ने डॉक्टर धर्मवीर गांधी, कांग्रेस प्रधान मल्लिकार्जुन खड़गे नाल भी उन्हां दे वल्लों मुलाकात कीती। ते हाल ही दस दे के कल कांग्रेस शामिल होण तों बाद आ पहली मुलाकात है। पनीत कौर दे खिलाफ पटियाला तों चोण मैदान च उतार सकती है कांग्रेस पार्टी। कल पार्टी शामिल होए सीगे डॉक्टर धर्मवीर गांधी, ते उन्हां वल्लों कहा गया सीगा कि मैं राहुल गांधी दी भारत जोड़ो यात्रा तों काफी प्रभावित हां। तस्वीर सामने आई है, तस्वीर तुहानू विखा रहे हैं, डॉक्टर धर्मवीर गांधी नजर आ रहे हैं ते राहुल गांधी दे नाल नजर आ रहे हैं। कल ही कांग्रेस पार्टी का पल्ला इन्हां दे वल्लों फड़िया गया सीगा। तस्वीर च वेख्या जा सकता है कि पंजाब कांग्रेस प्रधान राजा वड़िंग नजर आ रहे ने, योगेंद्र यादव नजर आ रहे ने, इस दे विचारे सीएलपी लीडर प्रताप सिंह बाजवा वेखे जा सकते ने। ते कल ही पल्ला फड़िया गया है ते उम्मीद आ जताई जा रही है, क्या सवाल लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी दे वल्लों लोक सभा सीट जो है पटियाला दी उत्थो उम्मीदवार यानी कैंडिडेट ऐलाना जा सकता है। जे असीं गल करिए 2014 दी ते 2014 ते लोक सभा सीट पटियाला दी सीगी जो आम आदमी पार्टी च सीगे डॉक्टर धर्मवीर गांधी उन्होंने वालों चोन लड़ी गई सीगी, हालांकि जित भी प्राप्त की सीगी ते पनीत कौर नूं हराया सीगा। हुण लोक सभा चोन 2024 दी असीं गल करिए ते पनीत कौर बीजेपी तो कैंडिडेट उतारे जा चुके ने। इस दे विचाले जे असीं आम आदमी पार्टी दी गल करिए ते आम आदमी पार्टी दे वल्लों सेहत मंत्री मौजूदा सेहत मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह चोन मैदान च ने, ते आ हुण क्यास लगाए जा रहे हैं कि डॉक्टर धर्मवीर गांधी जिन्हां दे वल्लों कल ही कांग्रेस का पल्ला फड़िया गया है उत्थों उम्मीदवार ऐलाने जा सकते।